बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक बेहतरीन न्यूज़ देने जा रहे हैं। जहाँ पे कानून की हुक्मरानी होती है तो फिर ऐसे ही फैसले देखने को मिलते हैं। अगर इस तरह का वाकया पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश में हो जाए तो कोई पूछता भी नहीं, क्योंकि इन मुल्कों में कानून की कोई हुक्मरानी नहीं है। इससे पहले हम न्यूज़ की जाने बढ़ें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी रिक्वेस्ट कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को हमारी रिक्वेस्ट पूरा देखिएगा। ट्रैफिक हादसे में जख्मी कारकुन के लिए 1,00,000 दिरहम मुआवजा। रासल खैमा की एक सिविल अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को इनके एक ड्राइवर की जानब से एक निजी कंपनी के मुलाजिम को टक्कर मारने के जुर्म में 1,00,000 दिरहम मुआवजा देने का हुक्म दिया है, जिसके नतीजे में मुलाजिम के बाएं बाजू में फ्रैक्चर और कान पर ज़ख्म और इसी तरह दीगर ज़ख्म भी आए थे। तफसीलात के मुताबिक रासल खैमा में एक निजी कंपनी के मुलाजिम ने इंश्योरेंस पॉलिसी से मंजूर शुदा एक एशियन ड्राइवर के खिलाफ ट्रैफिक हादसे की शिकायत की। इस हादसे में कारकुन को जिस्म पर शदीद चोटें आई थीं। इसके बाएँ बाजू में फ्रैक्चर, कान पर ज़ख्म और कोहनी पर गहरी चोट, जिसके बाद वो हरकत नहीं कर सकती थी। इसके बाद कारकुन को सक्कर अस्पताल ले जाया गया, जहां इनका ऑपरेशन हुआ और वो 9 दिन तक अस्पताल में जेर इलाज रहा। मुतासरा शख्स ने सिविल अदालत के सामने मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया है कि हादसे का सबब बनने वाले ड्राइवर और इंश्योरेंस कंपनी को इस हादसे की जिम्मेदार है। कारकुन ने अदालत से मुतालबा किया कि इसे इसका मुआवजा दिया जाए जो इसे इस हादसे के बाद माली और इखलाकी नुकसान का सामना करना हुआ। इसी तरह वकील की फीस, अदालत के अखराजात भी इसमें शामिल हैं। कारकुन ने वाजिया किया कि इसी इस हादसे की वजह से नफसियाती, अखलाकी और माली नुकसान हुआ है। इसने इलाज पर माल खर्च किया है, इसी तरह अभी मजीद इलाज भी चल रहा है। इसी तरह वो 5 माह से अपनी तनख्वाह से भी महरूम है, जो 3200 दिरहम बनती है। इसी तरह इसके अलावा 16,000 दिरहम खसारे का भी सामना करना पड़ा है। इसके अलावा अखलाकी नुकसान, जिसका कोई अजाला नहीं हो सकता। मुदाए आलिया के वकील ने इस केस को खारिज करने की इस्तदा की और इंश्योरेंस कंपनी के वकील ने एक दस्तावेज़ पेश की, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि इस केस को कानून में पेश करदा तरीकाकार के मुताबिक सुना जाए। इसलिए मुदई के बाएं बाजू में फ्रैक्चर हुआ है, जिसका मुआवजा 5,000 दिरहम बनता है। दरियसना अदालत ने दोनों मुदई अलियान को 1,00,000 दिरहम मुदई के अखलाकी, नफसियाती और अदबी नुकसान के बायस मुआवजा देने का हुक्म दिया। इसी तरह उन्हें वकील की फ़ीस और अदालती अखराजात भरने की भी हिदायत की। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।